सुपर सुपर। अगर भगवान ने चाहा कि अगर ये फिल्म लोगों को पसंद आई तो आई वॉन्ट टू वर्क विद सच लेजेंड्स, यू नो आई वॉन्ट टू मेक दम एक्ट एंड आई वॉन्ट टू मेक माई फिल्म सो बिग दैट विद ऑल दिस एक्टर्स हु हैव प्रूव्ड टू बी अ ब्रिलियंट एक्टर्स, सो माई फिल्म गोज फार अवे फ्रॉम द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर टू द टॉप फ्लोर। मैं भी सबसे पहले पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, इसमें नए कास्ट इंट्रोड्यूस भी हुई है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं। शिवा मेरा बहुत पुराना दोस्त है और काफ़ी चीज़ें हम शेयर भी करते हैं। इसकी मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि ये उन लोगों में से है जो हार नहीं मानते, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं और हमेशा कुछ ना कुछ करने के लिए इसकी कोशिश रहती है। पहले भी इन्होंने एक फिल्म बनाई थी अपने दोस्त के साथ में, तो इस बार इन्होंने अकेले इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, इसका मतलब इन्होंने एक स्टेप ऊपर गए और बड़ा चैलेंज लिया है। तो मेरी दिल से शिवा को और इसकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं और मैं उम्मीद करता हूं कि ये फिल्म लोगों को पसंद आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। और जहां तक मुझे पता चला बहुत अच्छा रिलीज़ मिला है इनको, क्योंकि कुछ नई फिल्मों की प्रॉब्लम्स आती हैं हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी हार नहीं माननी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता ऊपर वाला ज़रूर निकालता है। तो इसके लिए भी कुछ अच्छा सोचा है ऊपर वाले ने, तो मेरी शिवा को इसकी पूरी टीम को दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। और थैंक यू गाइस, आप जो सब लोग हमें देख रहे हैं यहाँ पर, आप प्लीज़ फिल्म देखने जाइए, क्योंकि ये एक करियर बनने का एक रास्ता है जो ग्राफ बन सकता है। एंड आई प्रॉमिस यू, आप अगर फिल्म देखेंगे तो आप नाराज़ नहीं होंगे, आपको रिग्रेट्स नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ डिफरेंट फिल्म एंड इट्स अ डिफरेंट क्लाइमैक्स। प्लीज़ गो एंड वॉच, ताकि मुझे ब्लेसिंग्स मिले एंड आई कैन वर्क विद सच एक्टर्स, जो मेरा ड्रीम है। जरूर जरूर, आप बहुत अच्छे। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबडी टू कम अक्रॉस एज अ प्रोड्यूसर, या तो मैंने बस हिम्मत नहीं हारी, मैं स्क्रिप्ट बनाता गया और मैंने बजट के हिसाब से स्क्रिप्ट बनाना शुरू किया। तो जब ये प्रोड्यूसर्स मिले तो इन्होंने सिर्फ मेरे पास ये एक स्टिमुलेटेड अमाउंट है, उसमें अगर तुम बना सकते हो, विच वॉज वेरी लो, एंड आई थॉट कि यार मैं हिम्मत नहीं आना चाहिए, अगर मैं कुछ ऐसा करके जाऊँ तो एक दूसरे लोगों के लिए मिसाल बन सकता है। और मैंने ऐसे बजट में फिल्म बनाई है जिस बजट में एक एल्बम नहीं बन सकता। बट मेरा भी ये मानना था कि फिल्म बनाते वक्त ऐसी स्लीजी फिल्म ना बने, ना सब स्टैंडर्ड बने, क्योंकि जिस तरह का मैंने एज एन एक्टर नाम कमाया और जो सारे बड़े बड़े एक्टर जो मुझे रिस्पेक्ट कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज ए ह्यूमन बींग, वो लोगों को ये बोलना चाहिए कि नहीं शिवा, यू गॉन वन स्टेप अहेड, तुमने फिल्म को बहुत ही खूबसूरती से बनाया। लेट इट बी इमटेरियल कि क्या बजट था, क्या सिक्वेंसेज थी, क्या कॉन्सिक्वेंसेज थी, बट यू मेड अ फिल्म एंड यू मेड अ मार्क। काम आता प्रीमियर पे, तो ये मेरा भाई है छोटा और बड़ी खुशी की बात है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, इसलिए आया हूँ। टैलेंटेड है, बहुत टैलेंटेड आदमी है। एक्टिंग के वक्त भी हम लोग एक दूसरे से मशवरा करते रहते थे। अरे आप ये मान सकते हैं, मैं तो हमेशा सीखा हूँ, आप नहीं मानेंगे, आई नो आप नहीं मानेंगे, मैं जब मैं मुझे बोलना नहीं चाहिए कि मैं जब छोटा बच्चा था बड़ी शरारती करता, लेकिन अभी भी है तो जब से मैंने फिल्म देखता था, तो इनकी फिल्में देखता, तो मुझे आज भी याद है खोखा खोखा वन खोखा नाम है ना, और उसके बाद जो ये था वो मैं स्कूलों में करता था। मैंने इससे पूछा भाई मेरे को पिक्चर में क्यों नहीं लिया, कहता जी मेरी पिक्चर बड़ी साफ सुथरी है इसलिए आपको नहीं लेना। नहीं, मैं जो काम करता हूँ आप सबको मालूम ही है। ये मुझे यकीन है कि आप लोग यकीन नहीं करेंगे इस चीज़ को, लेकिन मैंने ये फिल्म छोटे से शुरुआत इसलिए की कि मुझे मेरा बजट बहुत कम था, एंड दे आर बिग एक्टर्स। शर्मिंदा कर रहे हैं बजट की बात नहीं, बजट की बात नहीं, फिल्म मेकिंग बजट के। बिकॉज सही बोल दिया है, तुमने बोला साफ सुथरी चाहिए तो इसलिए नहीं, और मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म जब बने और फिल्म ये चले तो चलेगी, इन जो लेजेंड्स के साथ मैं काम करना चाहता हूँ, उनको मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, दिस इज़ माई ड्रीम, एंड आई होप आप लोग जो सामने वो ऑडियंस देख रही हैं वो मेरा हेल्प करें, दे शुड यू शुड हेल्प मी आउट टू बी अ गुड डायरेक्टर सो आई कैन वर्क विद दिस लेजेंड्स। Sorry?
शिवा सर के साथ कैसा अनुभव था काम करने का? बहुत अच्छा था और आज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ बिकॉज दिस माई फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म एज अ डेब्यू मैं कर रहा हूँ और इतने सीनियर एक्टर्स मेरे सामने, इतना एक्सपीरियंस एक्टर मेरे सामने, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और यू कैन यू नो फील माई हार्ट बीट इज जस्ट पंपिंग आउट. थैंक यू सो मच. सो Yeah. So what do you want to say about him as an actor? क्या था, कैसे mentor किया आपको, कैसे guide करते on the set? सर ने बहुत अच्छे से, एक्चुअली मैं इनको एज अ मेंटोर ही देखता हूँ क्योंकि डायरेक्टर सर, मतलब जब एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर तो हम देखते हैं इतने टाइम तक सर को, बट जब एज अ डायरेक्टर सर थे तो बहुत ज़्यादा हमें कम्फर्ट जोन में रखा, बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में सीन्स को समझाना और बहुत अच्छे से फिल्म को प्री प्रोडक्शन टू पोस्ट प्रोडक्शन लेके आना और आज फिल्म रिलीज है फाइनली. तो सर का बहुत बड़ा इसमें मैं बोलूँगा कि दे हेल्प अस अ लॉट फॉर दिस फिल्म एंड या सो वेरी एक्साइटेड. जल्दी से जाना चाहूँगा कि जो भी एक्टर्स होते हैं कितना अच्छी बात है कि डायरेक्टर के तौर पर वो अपना, सॉरी सेड अगेन, एज एन एक्टर कितनी अच्छी बात है कि डायरेक्टर के तौर पर अगर वो अपनी किस्मत आजमाते हैं, भले ही उन्हें कामयाबी मिले ना मिले, बट दे शुड ट्राई हैंड एट डायरेक्टर. क्या होता है कि इफ यू आर ऑन द सेट व्हेन यू आर एक्टिंग यू आर ऑब्जर्विंग, इट बिकम्स ईजियर एंड कॉन्फिडेंस होता है आदमी का, यू नो से निकलता है जो इंटेलिजेंट होता है. देखिए मैं एज एन एक्टर काफ़ी चला, अभी डायरेक्टर भी चला, ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, पब्लिक से रिक्वेस्ट है, आप पिक्चर देखिए, उसका हौसला बढ़ाइए ताकि नेक्स्ट पिक्चर मुझे भी चांस मिले. तो भी साथ हम लोग क्या करेंगे शिवाजी के बारे में और उनके डायरेक्टर के बारे में? कैमरे को कवर उनका आगे आना है. हाँ जी सर, ये देखो गली, ये देखो लड़की, बड़ा बड़ा ये रे सर, फिर इसी कपड़ा हो गया. चलिए चलिए. एक छोटा सा कलाकार हूँ और शिवाजी का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ और उनका भी आज फ्रेंड हुआ हूँ. इनको मैं ऑल द बेस्ट एंड कंग्रेचुलेशन कहना चाहता हूँ इस फिल्म के लिए और मेरी शुभकामना है कि ये फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट जाए और लोगों को शिवाजी माने जो अब तक कलाकार, गंदे कलाकार माने स्वीट और गंदे कलाकार और आज बैटमैन, तो अब के बाद माने इनको डायरेक्टर के तरफ भी सराहा जाए, उनकी फिल्म देखें और सुना है अब देखेंगे काफ़ी अच्छी फिल्म बनाई है. और ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि नए नए डायरेक्टर्स, नए कलाकार, नए प्रोड्यूसर्स, नए राइटर्स, नए लिरिक्स राइटर्स, सबको आप प्रमोट करें क्योंकि इससे सब कुछ आपके हाथ में है हम लोगों को आगे बढ़ाना. और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई लिख के नहीं आता कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, मैं बड़ा है, और जब उनका टैलेंट दिखाते हैं तब आपको पता चलता है. तो टैलेंट उनका सराह है और उनका आगे बढ़ने में मदद करें. बाकी ऑल द बेस्ट टू शिवाजी एंड द हीरो. थैंक यू सर. वेरी गुड कॉमिक एक्टर और कैरेक्टर आर्टिस्ट भी बहुत अच्छे हैं. तो मुझे ना ऐसे ऐसे एक्टरों के साथ काम करना है जो अपने आप में ब्रिलियंट एक्टर्स हैं, है ना. तो प्लीज़ 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 वॉच दिस फिल्म. या डेफिनेटली यू ऑल प्लीज़ आप ज़रूर ये अपने सिनेमा थिएटर्स में फिल्म देखने जाएँ बिकॉज एज अ न्यू एक्टर हमें इंडस्ट्री में आप लोगों की बहुत ज़रूरत है. हम लोगों को जितना सपोर्ट मिलेगा डेफिनेटली हम आपको और इंटरटेन कर पाएंगे अगली फिल्म में. सो गाइज प्लीज सपोर्ट अस एंड गो एंड वॉच आवर फिल्म. थैंक यू. बहुत हमारे लिए खुशी की बात है, जब शिवा मुंबई में पहली बार आए थे तो हमारी मुलाकात हुई थी, फिल्मों में आए भी नहीं थे तब के मेरे मित्र हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुझे कितनी खुशी हो रही है एज ए डायरेक्टर को पहली पिक्चर अपना ये बना रहे हैं कैंडी ट्विस्ट और हीरो यहाँ पर मौजूद हमारे इस फिल्म के, मुझे बहुत खुशी हो रही है. शिवा मेरी जान, तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत उन्होंने मुझे बुलाया याद करके, बड़ी बात है. मैं बता रहा हूँ कि आप फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं थे तब से मैं जानता हूँ. अच्छा ये जानना चाहूँगा आप कॉमिक के बादशाह हैं और शिवा कभी चिकना बैग लेके घूमता था मैं. तो क्या कहना चाहेंगे कि कभी मिलकर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करने का है आगे फ्यूचर में प्लानिंग है, तो कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ कर सकते हैं कॉमेडी और यू नो नेगेटिविटी का? बिल्कुल बिल्कुल, अभी इनके दिमाग में बात आनी चाहिए ना, हम कैसे बोलेंगे, हम तो इस तरफ कभी गए नहीं. सर आप सोचो कि अगर मैं ऐसे लेजेंड्स के साथ काम करूंगा, वेयर आर यू रीच्ड, बिकॉज इनमें इतनी एक्सपर्टीज है, इनमें इतना एक्सपीरियंस है कि मैं कितने भी लेयर वाले कैरेक्टर लाऊंगा वो बाखूबी निकालेगा. दिमाग में इतनी चीज़ें भरी हुई है क्योंकि इतने साल से एज एन एक्टर हूँ मैं, तो एज एन एक्टर मैंने बहुत कुछ किया, लेकिन मुझे अभी एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले करना है, तो मैं अपने अलग अलग कैरेक्टर्स इन फिल्मों में देख सकता हूँ. अरे क्या बात. लेकिन सर ये सवाल ही पूछना चाहूँगा कि कॉमेडी और विलन दोनों की बात कर लें तो 90s में काफ़ी वैल्यू होती थी, आज के ज़माने में एक्टर ही सब कुछ कर लेता है, कॉमेडी से लेकर एक्शन तक. नहीं नहीं सर ऐसा तो नहीं है, मैं बिल्कुल मैं ऐसा कुछ नहीं है. कॉमेडी क्या है, अभी लोग हंसना चाहते हैं, यहाँ तक कि न्यूज़ में भी हंसना चाहते हैं,
ब्रेकिंग न्यूज भी बोलते कुछ आता हूँ उनको, अगर उसमें कॉमेडी ना हो तो आगे चैनल मतलब रिमोट ये कर देते हैं। तो कॉमेडी क्या है, आज के लोग जो है ना टेंशन के दौर में लोग हर बात में हंसना चाहते हैं, कुछ कड़वी बात हो तीखी बात हो उसमें भी कॉमेडी चाहिए, इसके लिए हमारे विलन और हीरो भी कॉमेडी करते हैं ताकि पूरी फिल्म जो है लोग हंसते खेलते देख के निकले। आप हमको स्टोरी समझाओ लेकिन हंसते हंसते समझाओ, ये लोगों के लिए हो गया है। तो इसलिए कॉमेडी को कॉमेडी बिगिनिंग से लेकर एंड तक होते ही, ये ज़रूरी नहीं कि विलन नहीं कॉमेडी कर सकते, क्यों नहीं, कॉमेडी पहले से होती आई है। अभी ज़्यादा हो गया क्या, दिलीप कुमार साहब ने कॉमेडी नहीं की, विलन जीवन साहब ने कॉमेडी नहीं की, सब ने कॉमेडी की, ओम प्रकाश जी करते थे, जितने विलन थे वो भी कॉमेडी, प्रेम चोपड़ा ने कॉमेडी नहीं की है ना, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक दौर है। तो आज कॉमेडी हर चैनल में कॉमेडी कॉमेडी कॉमेडी, वो लोग हंसना चाहते हैं। इसके बाद मेरे पास एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी कहानी है, शबाज, बिकॉज आजकल जिस सर ने बोला कि आज कॉमेडी लोग हंसना चाहते हैं, दे वांट एन एंटरटेनमेंट, दे डोंट क्राई, यस। सो ये फिल्म के बाद जो एंटरटेनमेंट दिए मैंने ये थ्रिलर बनाया है, बट नाउ आई वांट टू प्ले इन अ डिफरेंट जॉनर। तो मैंने ऑलमोस्ट अपनी दो तीन ऐसी कहानी बना ली है, इसमें ये सारे कितने ऐसे हंसाएंगे आपको, वेट फॉर 2020 एंड and there will be a brilliant roller coaster film with actors like him. Yeah, thank you. Thank you, sir. Thank you. It's a wonderful experience. Kya kehte hain is baare mein? So, about Shiva sir director debut, sir. Sir, Shiva sir is now a television, like I have so much love and respect for him as an elder brother. But after working with him on this film, I'm very much happy and obliged. I've learned a lot from him, and he always tell me, as Dinero Ash, just follow what I tell you, and uske baad agar tere ko kahin par bhi koi kathinai aayegi, you let me know. And I worked on a set with him as an actor, as a movie director, or as a singer or a writer, whatever. But he's a second god to me, just to be honest, because like इनसे तो मैंने बहुत सीखा है, ये मेरी पहली फिल्म है और वी आर मिसिंग अनदर डायरेक्टर हियर, लाइक जॉन आर राइटर दीपिका एंड रेस्ट ऑफ द टीम, नीतू इज हियर, बट आई टेल यू समथिंग, दिस मैन ऑन माय लेफ्ट साइड एंड दिस मैन ऑन माय राइट साइड, यही हैं वो दो खुफिया इंसान जिन्होंने ये सब प्लान बनाया, जिन्होंने इसको एक्सिक्यूट किया और इतने प्यार से एक्सिक्यूट किया। जो पूरी कास्ट है आज हमारे साथ, वो सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, वाह कर रहे हैं, व्हाई, बिकॉज ऑफ दिस मैन्स हार्ड वर्क। एंड दिव्या दिव्या द एक्ट्रेस जो हमारे साथ हमारे काफ़ी गानों में है और पूरी फिल्म में ही है, वो ऑब्वियसली शी इज प्लेइंग मेजर रोल, अक्षय, एवरीवन डिड सो ग्रेट, नितिन सर हैड प्लेड अ बिग 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 सपोर्ट, एंड दिव्या मैं बोलूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज मेरी फिल्म का प्रीमियर है, दिस इज माय फर्स्ट मूवी एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड एंड आई एम होपिंग इट विल डू वेल एंड आगे भी मैं अच्छा प्रोजेक्ट करती रहूँ और इससे अच्छा कुछ करूँ एंड आई एम रियली वेरी मच एक्साइटेड। और भी कुछ आपको पूछना तो ये सो इससे लाइक आई टेल यू लाइक व्हाट शी सेड लाइक आई डबल दैट, इट्स अबाउट लाइक योर क्रिएटिविटी, व्हाट यू कैन डू। सर ये तो बताइए सर, आप प्लीज बताइए सर। द एंटायर क्रू हैज रियली वर्क्ड वेरी हार्ड फॉर दिस एंटायर प्रोजेक्ट, वी आर वेरी हैप्पी दैट टुडे इज आवर डे एंड प्लीज कम टू वॉच द मूवी। थैंक्स सर।